ओम शांति। बाबा कहते विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, जिसके लिए बाबा ने युक्ति बताई। बाबा कहते अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा यह स्मृति रखो कि यह अंतिम घड़ी है, तो यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। अर्थात सदा स्मृति पक्की कर लो कि जो करना है अब करना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जब यह स्मृति पक्की हो जाएगी तो देह से, देह के संबंधियों से, देह के बंधन से, सर्व विनाशी साधनों से, इच्छाओं से, खुद को न्यारा और एक बाप का प्यारा अनुभव कर सकेंगे। अर्थात प्रीत बुद्धि बनकर विजयी रत्न बन सकेंगे। तो आज अमृत बेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनकर सदा एवर रेडी रह सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा इस धरा की नहीं हूं। मेरा अविनाशी पिता निराकार परमात्मा शिव है। मैं परम धाम की वासी हूं। पांच हजार वर्ष पहले मैं इस धरा पर अवतरित हुई थी।
तब मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं आत्मा माया रूपी रावण के वशीभूत होकर स्वयं को भूल गई, अपने पिता परमात्मा शिव को भूल गई। दुख अशांति भय चिंता में अपने पिता परमात्मा को कण कण में ढूंढने लगी। यज्ञ तप पूजा पाठ करने पर भी पिता परमात्मा नहीं मिले।
अब संगम की श्रेष्ठ बेला पर स्वयं भगवान अवतरित होकर मुझ आत्मा को श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर स्वयं की और अपनी पहचान देकर दुख अशांति भय चिंता से मुक्त करा रहे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का रहस्य बताकर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है। अब मैं तुम्हें लेने आया हूं अपने घर। Thank you.
अब यह स्मृति पक्की करो, अब घर जाना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, यही पाठ पक्का करो। और तीव्र पुरुषार्थ कर, सदा एवर रेडी रहो। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा। फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं
हर घड़ी अंतिम घड़ी है इसलिए सदा। निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं। तब कहेंगे सदा एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों लेकिन। अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। तो अनुभव करें मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ। सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ।
सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।